वर्चुअल इंफ्राटेक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गिट अकाउंट किस तरह से बनाना है, बिट बकेट का अकाउंट किस तरह से बनाना है, गिटहब पे जाके हमने अकाउंट बनाया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे उस अकाउंट का यूज़ किस तरह से होता है, लोकल रिपोजिटरी में हम किस तरह से काम करेंगे, वो सब कुछ आज के लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एक गिट किस तरह से और कहाँ पर यूज़ होता है। सपोज़ आप मान लो कि ये जो गिट है, आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये कॉलेज में कोई सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, कॉलेज में तो ओल्ड सिलेबस पढ़ा हुआ है जो कि विजुअल स्टूडियो, जावा, कोर जावा, डॉट नेट, ओरेकल यही पढ़ाते रहते हैं जो कि ओल्ड सिलेबस है। लेकिन गिट ये नया कंसेप्ट है। गिट में अभी सिलेबस में आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या BCA, BSc या कोई और कंप्यूटर फील्ड से हैं, कंप्यूटर साइंस या MCA जो भी कुछ कर रहे हैं, ये लोगों के लिए ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो गिट है ये डेवलपर के लिए भी काम के लिए आएगा, मैनेजर के लिए या फिर एजूर एडमिन के लिए या फिर सिस्टम एडमिन के लिए, जो भी कुछ IT कंपनी जहाँ पे भी है वहाँ पे गिट रहेगा ही और होना ही चाहिए मैं बोलता हूँ। अगर सपोज़ आप मान लो कि एक किसी कंपनी में आपका इंटरव्यू हो गया और आप ज्वाइनिंग हो गए उस कंपनी के अंदर, और उस कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग होने के बाद आप कंपनी में जाते हो, फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे होने के बाद आपको HR फॉर्म फिलअप ये वो करके लेते हैं, जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो ख़त्म होने के बाद आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या IT का जो भी पर्सन है आपको लैपटॉप असाइन करता है और आपको आपकी ईमेल IDs बन जाती है, और ये सब कुछ बनने के बाद आपको काम दिया जाता है। काम इस तरह से दिया जाता है कि आपका गिट का अकाउंट बना देंगे वो, ठीक है। गिट का अकाउंट बनने के बाद हमने जैसे कि कल के लेक्चर में या कल के वीडियो में हमने देखा था कि गिट का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। गिटहब यानी कि सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, इसका अकाउंट हमने बनाया था, बिट बकेट का भी बनाया था। तो ये जो अकाउंट है ये बनने के बाद आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या IT का बंदा वो अकाउंट के क्रेडेंशियल देगा। वो अकाउंट के क्रेडेंशियल देने के बाद आप नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि यार ये गिट तो मैंने यूज़ नहीं किया है, इससे पहले मैंने कुछ अलग यूज़ किया था। आपको नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप वीडियो देख लो, ये जो वीडियो है हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो फिर आप उस समय चौंक जाओगे कि यार ऐसे लॉगिन किस तरह से करें, इंस्टॉलेशन किस, IT का बंदा तो आपको इंस्टॉल करके देगा गिट। तो देखते हैं अगर IT का बंदा छुट्टी पे है और आपको बोल दिया मैनेजर ने कि आज IT का बंदा नहीं है, ये गिट इंस्टॉल करो, आप मैनेजर को तो नहीं बोल सकती कि यार मुझे गिट इंस्टॉल नहीं करना आता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं गिट किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ पेंट को और यहाँ पे मैं आपको लाइव सिनेरियो दिखाऊंगा कि गिट इंस्टॉल किस तरह से करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक एजूर का पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे एजूर के पोर्टल में मैंने एक गिट नाम की मशीन बनाई थी। तो ये गिट नाम की मशीन हम लाइव देखेंगे कि इससे मैं लॉगिन करके आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं रिमोट लेता हूँ इस मशीन का। रिमोट लेने के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ इस मशीन पे। आप अगर कंपनी में किसी ज्वाइन कर रहे हो तो आप ये क्लाइंट साइड पे करोगे, यानी कि आपको जो लैपटॉप दिया हुआ है, जो डेस्कटॉप दिया हुआ है, आप यहीं पे यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्पीड अच्छी मिलेगी मुझे पोर्टल पे। तो ये पोर्टल पे स्पीड अच्छी मिलने से मेरे काम जल्दी हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट ले रहा हूँ मैं, ये लो मेरा रिमोट आ चुका है। यहाँ पे रिमोट आने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाता हूँ और यहाँ पे गूगल ओपन करूँगा। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे गिट डाउनलोड करके हमें टाइप करना है, ठीक है। गिट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे गिट डाउनलोड करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ gitscm.com/download ये वेबसाइट खुल के आपके सामने आएगी। आज के डेट में अगर देखेंगे तो लेटेस्ट वर्जन ये दिख रहा है 2.280 point, ठीक है। ये रिलीज़ हुआ था 2020 7/27 को, तो अभी रिसेंटली
यूज़ हुआ है, रिलीज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डाउनलोड करने के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो इस पर क्लिक करना, अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स पे क्लिक करना, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो। मोस्टली जो भी कुछ डेवलपर्स हैं, यूज़र फ्रेंडली होता है विंडोज़, तो विंडोज़ ही यूज़ करते हैं मोस्टली। डॉट नेट डेवलपर रहे, अगर अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स वाले लिनक्स भी यूज़ कर लेना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिनक्स में तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से इंस्टॉल करना है। आज के लेक्चर में मैं दिखाऊंगा कि आपको विंडोज़ पे किस तरह से गिट इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे विंडोज़ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। मैं डाउनलोड ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये इस तरह से गिट 2.280। तो इसको मैं, ये मेरा इंस्टॉल हो गया है डाउनलोड में, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे पूछ रहा है रन करना है, हाँ रन करता हूँ मैं, नेक्स्ट करना हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये जो पाथ है यहाँ पे, ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ जस्ट, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, तो यस करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, अगर मुझे डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन चाहिए तो मैं ऑन द डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, तो ये डेस्कटॉप पे मुझे आइकॉन मिलेगा इसका गिट का, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये कहाँ पे इसका सेटअप होगा, ये सब कुछ पाथ बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट और एक बार नेक्स्ट करना है, यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, गिट फ्रॉम द कमांड लाइन, ये कमांड लाइन से भी यूज़ होगा। अगर आपको ये जो गिट है, ये डेस्कटॉप पे आइकॉन बन रहा है, इसी पे अगर कुछ काम करना है तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कमांड या पावर शेल से भी यूज़ करना है तो यहाँ से भी आप ये यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया है, तो मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है, मैं जस्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, ये ठीक से इंस्टॉलेशन होगा, कहीं पे भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कर लो, फिर से नेक्स्ट, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान चीज़ है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, जस्ट डबल क्लिक करके रन करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट में फिनिश कर दो इसको, ठीक है। ये जैसे ही इंस्टॉलेशन होगा, ये जैसे ही इंस्टॉलेशन होगा, मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं, ये भी मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे मुझे आइकॉन मिलेगा। ये मैं नोट्स नहीं पढ़ना चाहता हूँ, डायरेक्टली लॉन्च कर रहा हूँ। अगर ऐसे नहीं करना है तो इस पर भी क्लिक टिक मार्क कर दो, नेक्स्ट कर दो, ये फिनिश हो जाएगा। ये सब कुछ फिनिश होने के बाद अब ज़रा मैं देख लेता हूँ कि इस पर अगर क्लिक करूँ, इस पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा गिट बैश करके आइकॉन बन गया है, तो ये मेरा ओपन हो रहा है। अगर मुझे पावर शेल से ओपन करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पावर शेल, ठीक है। ये रहा मेरा पावर शेल का, हेलो, ये रहा मेरा पावर शेल का कमांड, एक मिनट, ये पावर शेल से भी हम यूज़ कर सकते हैं और कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सीएमडी मैं ओपन कर रहा हूँ, देखते हैं कि ये जो मैं तीन टास्क ओपन करके दिखा रहा हूँ, तीनों पे भी मैं आपको कमांड रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गिट वर्जन मैं कर रहा हूँ, गिट वर्जन, तो ऐसे जैसे मैंने गिट वर्जन टाइप किया है तो यहाँ पे गिट का वर्जन दिखा रहा है, गिट वर्जन 2.28.0 विंडोज़ 1। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, गिट वर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे भी आएगा मुझे गिट वर्जन 2. और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से भी मैं यूज़ कर रहा हूँ गिट वर्जन, ठीक है, तो ये तीनों में भी चल रहा है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम कोडिंग कर सकते हैं या फिर गिट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गिट बैश करके जो आइकॉन है गिट का, इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं और पावर शेल से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों में से मुझे बेटर लगता है कि गिट, क्योंकि यहाँ पे कलरफुल दिख रहा है, कलरफुल चीज़ें रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है काम करने में, तो ये कलरफुल रहने की वजह से मैं इस पे बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये गिट तो इंस्टॉल किया हमने, गिट हमने इंस्टॉल किया, अब ये विंडोज़ पे इंस्टॉल किया है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लिनक्स पे किस तरह से इंस्टॉल करना है।
तो अभी विंडोज़ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि ये मेरा जो गिट है, ये जो मैंने गिट इंस्टॉल किया है, ये गिट कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, वो देखने के लिए मुझे कमांड है विच। विच गिट अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी कमांड यहाँ पे रन हो गई है और ये पूछ रहा है कि इस लोकेशन पे आपका गिट इंस्टॉल है। ज़रा मैं देख लेता हूँ ये सच बोल रहा है या कुछ झूठ बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव में गया, ठीक है, ये प्रोग्राम फाइल्स में हमने रन किया था। प्रोग्राम फाइल्स में जाता हूँ मैं, गिट के अंदर जाता हूँ। गिट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक मुझे फोल्डर दिख रहा है और इसके अंदर बिन है और ये रहा गिट। अगर मैं गिट यहाँ पे अगर टाइप कर रहा हूँ तो ये रहा गिट। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये खुल के आना चाहिए। इसका आइकॉन है यहाँ पे, यही आइकॉन है, यही खुल के आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन है, ये फोल्डर इसका विच गिट से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन देखा। अभी हमें और एक चीज़ देखना है कि हम कहाँ पे हैं, ये जो मैंने डायरेक्टरी ओपन की है ये कहाँ पे हूँ मैं। तो उसके लिए प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD टाइप करना है। तो अब मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई आप सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर हमीद करके फोल्डर यूज़र है, उस यूज़र के अंदर आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो आप मुझे क्या करना है, मुझे तो ये यूज़र हमीद तो पता चल गया, ठीक है, मुझे ज़रा बाहर आना है, बैक आना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, CD डॉट डॉट कर दूंगा। CD डॉट डॉट करने से क्या हो गया, मैं एक स्टेप पीछे आ गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमीद में था मैं, यूज़र्स के अंदर हमीद में था। तो अब मैं क्या हो गया, पीछे आ गया। ज़रा मैं LS करता हूँ, लिस्ट करता हूँ कि ये यूज़र्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यूज़र्स के अंदर है ऑल यूज़र्स हैं, डिफ़ॉल्ट है, डेस्कटॉप है, पब्लिक है और हमीद करके भी है। एक स्टेप में पीछे गया था, अब मैं फिर से हमीद में जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा CD हमीद। तो ये लिनक्स की कमांड्स हैं, कुछ बेसिक कमांड्स। तो ये आपको याद होनी चाहिए बेसिक चीज़ें। आप इस वीडियो को देख लो, आप कंटिन्यू देख लो, ये जितने भी कमांड आपको मैं बता रहा हूँ, इतने भी अगर गिट में यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, बेटर है। आपको लिनक्स का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ यूट्यूब पे या फिर कहीं से वीडियो देख रहे हो या फिर कुछ लर्न कर रहे हो तो आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। लेकिन बस इतना, यहाँ पे लिनक्स का बेसिक से हल्का सा यूज़ हो रहा है। तो ये CD कमांड मैं यूज़ करके हमीद के अंदर गया। अब ज़रा देखता हूँ कि हमीद के अंदर क्या है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिल के आ रही है, ठीक है। ये लो, ये ऐप डेटा, ये वो जो सब कुछ आ रहा है। ज़रा देखता हूँ कि यहाँ पे रियल में भी वैसे हो रहा है। यहाँ पे सी ड्राइव में गया मैं, यूज़र्स में जा चुका हूँ, इस हमीद के अंदर जा रहा हूँ। हमीद के अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ पे जितने सारी चीज़ें मिल रही हैं वो सेम चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कमांड से। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको इधर रखता हूँ, क्योंकि आपको लाइव प्रैक्टिकल मिलेगा, लाइव से भी लाइव यानी कि रियल टाइम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमीद के अंदर तो आ गया। अभी हमीद के अंदर क्या है, ये सारे फोल्डर्स हैं। ज़रा मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डेस्कटॉप करके मुझे फोल्डर दिख रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, CD डेस्कटॉप किया मैं, डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये गिट को हमें यूज़ करना है। अगर आप डी ड्राइव में जाना चाहते हो, आपको पता है यहाँ पे डी ड्राइव, यहाँ पे तो टेम्पररी स्टोरेज है, ये एजर के अंदर जो भी टेम्पररी स्टोरेज होता है, यहाँ से अगर सिस्टम रिस्टार्ट करूँगा तो ये लॉस हो जाएगा। अगर मुझे डी ड्राइव में जाना है तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर कर सकता हूँ। तो ये मैं डी ड्राइव में आ चुका। अगर देख लो कि आप, या अगर मैं यहाँ पे MKDIR यहाँ पे टेस्ट करके बना दूँ तो ये एक मेरा फोल्डर बनेगा यहाँ पे डी ड्राइव में। तो ये कमांड है फोल्डर बनाने की, MKDIR मेक डायरेक्टरी, ठीक है, ये फोल्डर बन गया। तो इस तरह से हम डी ड्राइव में भी प्रोजेक्ट हमारा रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ, तो मैं फिर से डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे तो डेस्कटॉप है ही। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मेक डायरेक्टरी करता हूँ MKDIR और मेरा एक वेबसाइट करके फोल्डर बना देता हूँ, वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट करके मेरा फोल्डर तो बन गया। अब मैं ये ज़रा क्लोज करता हूँ और इसको ओपन करते हैं।
यहाँ पे मेरा फोल्डर बनने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर जाना है मुझे। इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं सीडी कर दूंगा और वेबसाइट पे वेब लिख के मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये पूरा तरह से आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फेस करेगा उसके आगे के कंटेंट। यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे इसके अंदर आ गया मैं वेबसाइट के अंदर। किस तरह से आया, सी यूजर्स हमिद डेस्कटॉप वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे मैं करूँगा गिट का इस्तेमाल। ये हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, ये एक लोकल मशीन पे कर रहे हैं, हमने अभी किसी पे भी कहीं पे भी कांटेक्ट नहीं किया है। सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है हमने सीख लिया लेकिन उसका अभी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। ये जो भी कुछ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ये लोकल मशीन पे कर रहा हूँ, ये क्लाइंट मशीन है। आप जब कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, आपको डेवलपर ने मशीन दे दी, आप ये यूज़ करोगे, किस तरह से यूज़ करोगे वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गिट वर्जन देख लिया तो अब कंपनी में तो यूज़र आ गया, ये सब कुछ किया उसने, ठीक है, यूज़र बनाया। लेकिन ये यूज़र बनाने के बाद उसको लॉगिन भी तो करना चाहिए ना, उसको यूज़र आईडी पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। अब मैं ये सब कुछ क्लोज करता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर कंपनी में अगर ज्वाइनिंग किया उसने तो उसको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जो कि हमने कल अकाउंट बनाया था। ये अकाउंट कंपनी बना देती है, ये अकाउंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, ये अकाउंट एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, या फिर मैनेजर देगा, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, या जो भी कुछ कंपनी का सीनियर बंदा है, या फिर जिसको असाइन किया है टास्क, वो आपको ये यूज़र बना के देगा। तो वो यूज़र यहाँ पे ऐड किस तरह से करना है, तो ज़रा देखते हैं कि गिट यहाँ पे कॉन्फ़िग करना है हमें। गिट कॉन्फ़िग यहाँ पे डबल डैश यहाँ पे ग्लोबल करता हूँ मैं। ग्लोबल करने के बाद यहाँ पे यूज़र डॉट नेम, ये कमांड टाइप करनी है। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र का नाम सूरज है तो वो सूरज नाम से बनाएगा, तो मैं इसको एंटर करता हूँ, ये मेरी कमांड रन हो गई, ठीक है। ये कमांड रन होने के बाद यूज़र नेम तो ऐड किया, तो उसके बाद उसको ईमेल आईडीज भी दिया जाएगा, तो फिर वो ईमेल आईडीज भी ऐड करनी पड़ेगी। ज़रा सा मैं टैब अप टैब ओपन करता हूँ, अप एरो, तो ये मेरी प्रीवियस कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मुझे यही सेम कमांड रखनी है, यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र ईमेल। यूज़र ईमेल टाइप करने के बाद यूज़र का ईमेल आईडी डाल देता हूँ, सूरज डॉट सुरनर 1995@gmail.com। यही हमने यूज़र बनाया था ना, ज़रा देख लेते हैं कि यही यूज़र बनाया था क्या। गिटहब पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ इस सूरज 1995 करके हमने कल यूज़र बनाया था। अगर आपको देखना है ये मैंने यूज़र किस तरह से बनाया था तो वो पहला वीडियो जाके देख सकते हो आप। यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखता हूँ ये पूरी तरह से मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, ठीक है, ये सूरज के अंदर। तो सूरज तो ज्वाइनिंग हो गया, उसको मैंने अकाउंट बना के दे दिया, उसने लॉगिन किया, यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब ज़रा देख लेते हैं कि ये जो मैंने किया है सब कुछ, इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो गिट कॉन्फिग यहाँ पे लिस्ट करना है, ये लिस्ट करने के बाद यहाँ पे पता चलेगा कि ये यूज़र का ईमेल आईडीज मैंने इस तरह से टाइप किया है और यूज़र नेम मैंने इस तरह से टाइप किया, ठीक है। ये तो हो गया, यूज़र हमने अपडेट किया, कंपनी में बंदा ज्वाइन हो गया, ईमेल आईडी डाल दी, यूज़र का नेम डाल दिया, वो डेस्क पे बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है। उसने कहाँ तक काम किया था, पीडब्ल्यूडी किया था, पीडब्ल्यूडी वर्किंग डायरेक्टरी हमीद में है, मैं ज़रा सीडी, यहाँ पे हमीद के अंदर हमने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले डेस्कटॉप किया था, सीडी मैंने डेस्कटॉप पे वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया था। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है, अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट राइट करना है, प्रोजेक्ट लिखना है, हमें वेबसाइट बनानी है। उस सूरज नाम के बंदे को बोल दिया है कि इंडेक्स पेज बनाओ। अब ज़रा देखते हैं कि ये इंडेक्स पेज हम बना तो लेंगे लेकिन ये बनता किस तरह से है।
ये पेज बनता किस तरह से, इसकी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता चल रही है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। बैकएंड प्रोसेस है इसकी, जो भी कुछ पता करनी है कि इसका फ्लो किस तरह से। फ्लो तो मैंने आपको जस्ट बता दिया था पहले वीडियो में, फिर से और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी, ठीक है? लोग पहले थेरोटिकल बताते हैं फिर प्रैक्टिकल बताते हैं। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, थेरोटिकल बताऊंगा, फिर से प्रैक्टिकल बताऊंगा, आपके माइंड में एकदम फिट बैठ जाएगा। इससे आसान कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ये अब मैं कहाँ पे हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, सीडी वेबसाइट के अंदर आ चुका हूँ। सीडी वेबसाइट, यहाँ पे मैंने सीडी वेबसाइट करके कमांड डाल दिया, इस वेबसाइट के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ। अब ज़रा देख लेते हैं कि गिट का इस्तेमाल। अब मुझे गिट चलाना है, ठीक है? तो गिट चलाना है तो मुझे गिट इनिट करना पड़ेगा। गिट को क्या कर रहा हूँ, गिट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये जो मेरा फोल्डर है, यहाँ पे एक फोल्डर है, जस्ट फोल्डर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ फोल्डर है। अब मैं इस फोल्डर को क्या करूँगा, एक रिपोजिटरी बनाऊंगा, रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी बनाऊंगा। लोकल रिपोजिटरी बनाने के लिए गिट इनिट मुझे करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे गिट इनिट टाइप कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन, और ये इसका पाथ आ गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी बना दी है मैंने, उस रिपोजिटरी के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। और जब भी रिपोजिटरी बनती है, ये रिपोजिटरी कहाँ पे है, ये लोकल मशीन पे, ये डेवलपर के मशीन पे, ये काम कर रहे हुए बंदे के मशीन पे, उस बंदे के मशीन पे सिर्फ लोकल रिपोजिटरी बन गई। हम लोकल मशीन की बात कर रहे हैं, अभी हमने पूरी तरह से सेंट्रल रिपोजिटरी पे अभी नहीं कनेक्ट किया। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये डेवलपर ज्वाइन किया उसने, वो काम कर रहा है, उसने वेबसाइट के अंदर गया लोकल रिपोजिटरी में, ये जो वेबसाइट का जो फोल्डर है उसको अगर कन्वर्ट करना है रिपोजिटरी में तो इसको गिट इनिट करके कमांड डालना पड़ेगा। वो इनिशियलाइज होगा वर्किंग स्पेस में, ये गिट डॉट गिट करके ये हाइड फोल्डर यहाँ पे बन गया मेरा। जैसे ही मैं ये कमांड गिट इनिट रन किया था ना, आप वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पे डॉट गिट करके एक फोल्डर बन गया। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम पुश पुल कमेट या जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है डॉट गिट फोल्डर के अंदर। ये एक तरह से लोकल रिपोजिटरी का काम कर रहा है, एक तरह से ये लोकल रोबोटिक्स का काम कर रहा है। ये रोबोट है, डॉट गिट क्या है, एक रोबोट है। अब जो भी काम कर रहे हो यहाँ पे ये स्टोर करके रख रहा है। भाई आप इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए थे, हाँ ठीक है मैं नोट करके रखता हूँ। भाई आप रिटर्न में आए, इधर यहाँ पे चाय पी ली, यहाँ पे वड़ा पाव खाया, ये जो भी कुछ खाया यहाँ पे, ये सब कुछ स्टोर कर रहा है। आप जो भी कुछ काम कर रहे हो यहाँ पे स्टोर हो रहा है डॉट गिट के अंदर। तो एक रोबोट का काम कर रहा है डॉट गिट। तो देखते हैं कि हमने रिपोजिटरी, ये डायरेक्टरी को हमने लोकल रिपोजिटरी में क्रिएट किया, अब ये बन गया। ये वेबसाइट फोल्डर, हम फोल्डर फोल्डर बोल रहे थे ना, तो ये लोकल रिपोजिटरी बन गया ये फोल्डर। जब डॉट गिट नाम का जो फोल्डर बनता है उसके अंदर हाइड फोल्डर, तो वो रिपोजिटरी बनती है। रिपोजिटरी बनने के बाद अब हमें क्या करना है, आगे का काम करना है। जरा मैं यहाँ पे देखता हूँ गिट स्टेटस, गिट स्टेटस मैंने कमांड किया। यहाँ पे कमिट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑन ब्रांच मास्टर, मास्टर ब्रांच में अब हम काम कर रहे हैं। ये ब्रांचेस आगे देखेंगे हम किस तरह से बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है नथिंग टू कमिट, आपके पास कमिट करने के लिए है ही कुछ नहीं है, क्या कमिट करोगे आप? कमिट करना यानी कि मैं आगे बोल रहा हूँ अभी, ये हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि कन्वर्ट किया हमने एक फोल्डर को, एक डायरेक्टरी को रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक फाइल, एक फाइल बनाऊंगा। यहाँ से देखो फाइल किस तरह से बनाते हैं, टच कमांड मैंने टाइप की, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक
ठीक है, index.html में जैसे ही टाइप करता हूँ तो यहाँ पे इंडेक्स की मेरी फाइल बन गई, ये फाइल HTML फाइल बन गई। उस तरह से मैं CSS फाइल बना सकता हूँ, .java फाइल बना सकता हूँ, हर तरह की फाइल्स मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो जस्ट मैं एक टेस्टिंग पर्पज़, एक डेमो पर्पज़ index.html फाइल बना दी। अब इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये एम्प्टी फाइल है। ओपन विथ नोटपैड करता हूँ तो इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, स्टेटस, तो यहाँ पे गिट स्टेटस के अंदर दिख रहा है कि यहाँ पे नो कमिटेड, लेकिन अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड यानी कि यहाँ पे ट्रैक नहीं हुई है अभी फाइल। ये क्या हो रहा है पता है क्या? गिट तो हमने रिपोजिटरी, तो लोकल रिपोजिटरी बना दी, यहाँ पे एक फोल्डर, एक फाइल भी बना दी index.html। वो index.html को अभी हमने गिट के अंदर नहीं डाल दिया है, ये गिट फोल्डर के अंदर, गिट रिपोजिटरी के अंदर, लोकल रिपोजिटरी के अंदर ऐसी ही पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसी ही लोकल पड़ी हुई। यहाँ पे अगर मैं कोई फाइल बना रहा हूँ, अभी ऐसे टेक्स्ट करके फाइल बना देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट फाइल बना देता हूँ, ये बना दी। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पे दो फाइल मुझे शो करेंगे। वही कमांड मैं फिर से अप एरो करके मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे दो फाइल आ गई, अनट्रैक्ड फाइल। ये दोनों भी फाइल क्या है, अनट्रैक्ड है, मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। गिट क्या बोल रहा है, ये दो भी फाइल को मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। दिख तो रही है इस फोल्डर के अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर मेरे पास ये फाइल है, लेकिन ये अनट्रैक्ड फाइल है, मैं इनको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये ट्रैकिंग किस तरह से होता है वो देखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स तो पेज बना दिया, अब इंडेक्स पेज के अंदर मुझे कोड लिखना है। कोड लिख, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोड, इस तरह से ओपन विथ करके यहाँ से नोटपैड में यहाँ पे ऐसे HTML करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा मज़ा आना चाहिए यार काम करने में। ठीक है, तो ये कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैट कमांड है। कैट कमांड से मैं ऐसे एरो दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे index.html टाइप करना है और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद अब मैं इस फाइल के अंदर जा चुका हूँ। ये फाइल के अंदर जाने के बाद अब मैं कोड लिखना चाहता हूँ HTML। मैं बहुत बड़ा कोड नहीं लिखने वाला हूँ, जस्ट सिंपल बॉडी टैग करता हूँ मैं। बॉडी टैग के बाद यहाँ पे एच टैग लेता हूँ, H1 टैग जो कि हेड, हेड हेडिंग, ठीक है, गिट हेडिंग हम करेंगे इसको। गिट हेडिंग करके मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब मैं इस H टैग को क्लोज करता हूँ, H1 टैग को मैंने क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी टैग को भी क्लोज करता हूँ। यार बहुत मज़ा आता है काम करने में, कोई भी चीज़ अगर दिल लगा के करोगे ना, दिल से करोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा। देखो अभी मैंने ये तो सब कुछ कर दिया, कितना मज़ा आ रहा है काम करने में। ब्लैक स्क्रीन है, कलरफुल कंटेंट है, यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैंने तो ये HTML का कोड लिख दिया भाई, मैंने तो पूरा HTML बॉडी टैग लिख दिया। ये सब कुछ करने के बाद मैं कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी से क्या होगा, बाहर आ गया भाई, इस फाइल के बाहर आ गया। अब ज़रा देखता हूँ कि इस फाइल में सच में मैंने ये जो भी कुछ लिखा था ये सही हो गया है। हाँ सही हो गया है, लेकिन लिनक्स में क्या होता है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस या डबल क्लिक या मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये वर्ड्स क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए मैं इसको ज़रा सा हटा देता हूँ, ठीक है, अब बन गया है मेरी फाइल ठीक से। ज़रा मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ, ये इस तरह से कोडिंग नहीं लिखी जाती है, ठीक है। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, रहने दो, जैसा भी है वैसा रहने दो, क्योंकि वीडियो मेरे ना बहुत काफ़ी बड़े हो रहे हैं। तो मैं ये क्लोज किया, क्लोज करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स तो मेरी पेज बन गई, सब कुछ हो गया। एक लोकल फोल्डर बना दिया वेबसाइट नाम का, उसके अंदर हमने गिट इनिट करके कमांड कर दी, लोकल फोल्डर यानी कि लोकल फोल्डर जो था वो कन्वर्ट हो गया लोकल रिपोजिटरी में, और डॉट गिट नाम का एक फोल्डर, हाइड फोल्डर बन गया, इसके अंदर पूरा डिटेल्स होते हैं। उसके बाद मैंने इंडेक्स नाम का एक फाइल बना दी, उस फाइल के अंदर मैंने ये कोड लिख दिया। अब हम देखते हैं गिट
स्टेटस, वही कमांड मैं अप एरो करके यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सेम चीज आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फोल्डर है, ये दोनों भी फोल्डर है, मुझे क्या करना है, अब ये क्या हो गया पता है क्या, ये इनिशियलाइज स्टेज में है, ये वर्किंग स्पेस में है, ये अनट्रैक्ड फाइल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को गिट के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए कमांड है गिट ऐड, मैं फाइल का नाम देता हूँ index.html। अगर मुझे एक फाइल ऐड करनी है गिट के अंदर जो कि मैं कमिट करने के लायक बना सकता हूँ, उसको कमिट करने के लायक बना सकता हूँ, ये क्या है, ये कमिट करने के लायक नहीं है, नथिंग एडेड टू कमिट, यानी कि ये अभी इनकी लायक ही नहीं है कमिट कर सकते हो आप। तो आपने तो काम किया, काफी सारे फाइल्स में चेंजेस किए, लेकिन मुझे इंडेक्स फाइल भी ही मुझे कमिट करनी है, बाकी के फाइल्स मुझे कमिट नहीं करनी है। यहाँ पे 10 फाइल्स है इंडेक्स वाले, ठीक है, उसमें से एक फाइल मुझे सेलेक्ट करना है और उसको मैंने गिट ऐड इंडेक्स html किया। अगर मुझे पूरे के पूरे फाइल ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा ऐसे ए करके, गिट ऐड डैश डैश ऐड, ठीक है, ऐसे अगर करेंगे तो ये पूरे के पूरे फाइल्स ऐड हो जाएंगे गिट के अंदर, वो भी देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट html कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, जैसे मैं एंटर किया तो यहाँ पे बोल रहा है गिट ऐड इंडेक्स डॉट html, ये क्या हो गया, गिट के अंदर ऐड हो गई फाइल, ये ऐड हो गई। अभी क्या हो गई, इनिशियलाइज स्टेज में से, वर्किंग स्टेज में से अभी कहाँ पहुंच गई, स्टेजिंग एरिया में। इसको क्या बोलते हैं, ये अनट्रैक्ड फाइल थी ना वर्किंग स्पेस से, अब क्या हो गया, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब जरा देखते हैं गिट स्टेटस, तो ये फाइल मेरी ट्रैक हो गई अभी, अभी ये तो अनट्रैक्ड ही बता रहा है, टेक्स्ट डॉट html अनट्रैक्ड ही है मेरी फाइल, और ये क्या हो गई, ये ट्रैक हो गई। और मैंने ये एक फाइल को क्या किया, गिट के अंदर स्टेजिंग एरिया के अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसमें क्या होता है, एरियाज होते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं, अनट्रैक्ड, अनट्रैक्ड यानी कि जो भी कुछ अभी देखा था हमने वो फाइल अनट्रैक्ड है, गिट के अंदर मैंने फोल्डर बनाया, अनट्रैक्ड फाइल मिल रहे हैं। अब इसको मैं ट्रैक्ड कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड, ठीक है, ये मॉडिफाइड फाइल बन गई अभी, ये मॉडिफिकेशन हमने इसमें किया था ये फाइल्स में। अब मैं क्या करता हूँ, ये कमिट के लायक बन गई है, अब यहाँ पे नो कमिटेड किया है, चेंज टू बी कमिटेड, इसमें चेंज किया है, ये कमिट के लायक बन गई है। तो अब ये स्टेजिंग एरिया में आने के बाद हम वहाँ से कमिट कर सकते हैं। मैंने इसके पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि स्टेजिंग एरिया के एरिया में आने के बाद ये हम सब कुछ कमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कमिट करने के लिए क्या करेंगे, कमांड होती है गिट, गिट कमिट माइनस एम, और मैसेज देता हूँ दिस इज अ फर्स्ट कमिट, ठीक है। ये आप प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे हो ना तो वहां पे आप किस तरह से मैसेज देना है डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या काम कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको जो भी पता होना चाहिए या फिर डेवलपर को पता होना चाहिए कि ये मैसेज का मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं, तो उस तरह से आपको मैसेज देना है। दिस इज अ फर्स्ट कमिट, मैं एक डेमो पर्पज मैसेज दे रहा हूँ। तो ये मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या हो गया, ये मेरी फाइल कमिट हो गई, कमिट होने के बाद ये लोकल रिपोजिटरी में ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब इसकी जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है डॉट गिट के अंदर ये स्टोर हो गई। अब मैं ज़रा देख लेता हूँ कि ये फाइल किसने बनाई है, ये बनाई किसने फाइल, तो उसके लिए मुझे है यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ एक दफ़ा, गिट स्टेटस करते हैं, तो गिट स्टेटस करने के बाद यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल एक ही मिल रही है, जो कमिट किया था हमने ये फाइल index.html वो तो कमिट हो गई, यहाँ पे बोल रहा है नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, अभी कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या उसको भी गिट के अंदर ऐड करना चाहते हो, क्या ट्रैक बनाना चाहते हो इसको, नहीं अभी तो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो हमने index.html ऐड की थी ये फाइल,
ये फाइल को हम जरा देख लेते हैं कि ये बनाई किस लिए इसने, तो उसके लिए कमांड है गिट लॉग। गिट लॉग में कमांड जैसे ही टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक कमिट आईडी बन के आ रही है, ये लो ये आईडी है कमिट आईडी। अभी ये कहाँ पे है, ये मास्टर ब्रांच के अंदर है, ये कमिट जो भी हमने किया था लोकल रिपोजिटरी में होता है ये मास्टर ब्रांच, मास्टर यानी कि मेन ब्रांच होती है। और ये इसने जो कमिट किया है, ये जो कोड लिखा है, ये किसने लिखा है, ये सूरज ने लिखा है। हाँ हाँ सूरज ने लिखा है, लेकिन कितने बजे लिखा है भाई, संडे के दिन अगस्त ये टाइमिंग पे लिखा है, आज 16 तारीख है, कल 15 अगस्त, ठीक है ये टाइमिंग पे इसने लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, दिस इज अ फर्स्ट कमिट, ये मैसेज है इसका। तो अब जरा देख लेते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर अगर क्या है देखना है तो गिट शो, और ये जो कमिट है यहाँ पे आईडी जनरेट हुई है, इसके कुछ 6 डिजिट या 7 डिजिट यहाँ पे टाइप करना है। मैं जैसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, मैं जरा टाइप कर लेता हूँ df, यहाँ तक ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे कोड आ रहा है, html बॉडी हेडिंग ये सब कुछ मैंने कोड लिखा था। अब मैं इसको ऐसा डबल क्लिक कर रहा हूँ ना, तो हेडिंग गिट हेडिंग ऐसे करके आ रहा है, कॉपी पेस्ट हुआ रहेगा, डबल छोड़ दो, ठीक है ये इस तरह से हो रहा है, हेडिंग गिट हेडिंग वही हमने यहाँ पे रन किया था ना अभी। तो ये कमिट किया मैंने, कमिट किया हमने, स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकल किया, यहाँ तक ठीक है प्रैक्टिकल। अब मैं फिर से आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ पेंट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें की थी। यहाँ पे मैं न्यू कर रहा हूँ, न्यू करने के बाद यहाँ पे बता देता हूँ कि ये यूज़र आ गया कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर यूज़र आने के बाद उसको लैपटॉप असाइन हो गया, उसको लैपटॉप दे दिया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने, उसको लैपटॉप देने के बाद वो काम करने लगा, और उसको यूज़र नेम और पासवर्ड भी दे दिया गया। पासवर्ड यूज़र नेम देने के बाद वो लॉगिन कर गया, लॉगिन करने के बाद क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसने एक फोल्डर बना दिया प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर बनाने के बाद उसने काम किया, कुछ फाइल्स बनाए काफ़ी सारे, ठीक है। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि इसने ये फोल्डर बना दिया, फोल्डर इस तरह से होता है, ये फोल्डर बना दिया, ये फोल्डर के अंदर उसने कमांड लिख दी मेक डायरेक्टरी, या फिर वो काम कर रहा है, कुछ काफी सारे फोल्डर्स बना दिए उसने, यहाँ पे इंडेक्स फोल्डर बना दिया, यहाँ पे सीएसएस फोल्डर बना दिया, यहाँ पे जावा बना दिया, जो भी कुछ रिलेटेड फाइल्स हैं, जो भी कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइल्स हैं, एक थोड़ी ये फाइल होती है प्रोजेक्ट में, एक 100 200 कितने भी जितने डिपेंड करते हैं उस प्रोजेक्ट पे उतनी फाइल्स होती हैं, ये सब फाइल्स उसने ये किया, टाइप किया, इसमें चेंजेस किए, सब कुछ किया, ठीक है। तो ये सब कुछ चेंजेस करने के बाद यहाँ पे डॉट गिट नाम का फोल्डर बन जाता है, इनिशियलाइज स्टेज में डॉट गिट नाम का फोल्डर बना दिए। अब ये जो फोल्डर है डॉट गिट नाम का फोल्डर बनने के बाद, ये पूरे के पूरे फाइल क्या है, अनट्रैक्ड फाइल है, अनट्रैक्ड फाइल है ये, इसको तो हमने रिपोजिटरी बना दिया इस फोल्डर को, अब तक क्या था, फोल्डर था, अब ये लोकल रिपोजिटरी बन गया ये फोल्डर, ये फोल्डर के अंदर अलग अलग फोल्डर और फाइल्स हैं। डॉट गिट बनने के बाद यहाँ पे मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो अनट्रैक्ड फाइल नज़र आती है। अनट्रैक्ड फाइल नज़र आने के बाद मैंने क्या किया, कुछ फाइल्स में चेंजेस किए, एक मिनट, ये कुछ फाइल्स में मैंने चेंजेस किए, ये फाइल्स में चेंजेस करने के बाद अब ये क्या फाइल्स बन गई, और ये फाइल्स को मैंने क्या किया, गिट डॉट ऐड किया, गिट ऐड डॉट, सॉरी गिट ऐड डॉट, या फिर गिट ऐड डैश डैश ये, या फिर ऑल भी लिख सकता हूँ। तो ये ऑल पूरे के पूरे फाइल्स मेरे क्या हो जाएंगे, स्टेजिंग एरिया में पहुँच जाएंगे, ठीक है मैंने आपको दिखाया था। तो स्टेजिंग एरिया में पहुँचने के बाद वो कमिट करने के लायक बन जाते हैं वो फाइल। ये अनट्रैक्ड फाइल क्या होती हैं, ट्रैक्ड बन जाती हैं, ट्रैकिंग फाइल बन जाती हैं,
और कमिट करने के बाद लोकल रिपोजिटरी में वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देख लेंगे कि ये जो गिट स्टेटस करता हूँ फिर से मैं, तो यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल अभी भी मिल रही है मुझे। कौन सी? ये वाली फाइल, इसको अभी हमने ऐड नहीं किया है। अब इस फाइल को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, गिट ऐड और डैश डैश ये करता हूँ। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी अब इतने भी सारे, अब यहाँ पे हम गिट ऐड कर रहे थे तो ज़रा ये करके देखता हूँ, यहाँ पे किया। अब यहाँ पे ज़रा देखता हूँ गिट स्टेटस, तो यहाँ पे क्या हो गई, स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गई। तो अब मैं यहाँ पे और दो तीन फाइल क्रिएट करता हूँ। ये ऑल ऑल कमांड रन हो गई ना यहाँ पे डैश डैश ये करने से, और टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी अगर करता तो इतनी भी फाइल ऐड हो जाती, लेकिन दो तीन चार फाइल्स हैं मेरे पास। अब मैं ये सब के सब स्टेजिंग एरिया में ऐड करना चाहता हूँ। अब ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फोल्डर्स बना दिए। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे फिर से गिट स्टेटस कमांड रन करता हूँ तो यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल मुझे मिल रही है। कितने फाइल्स मिल रही हैं? 1, 2, 3। ये दो तो हमने क्या किया था, गिट के अंदर ऐड किए थे, लोकल रिपोजिटरी के अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, अब ये अनट्रैक्ड फाइल अब मैं क्या कर रहा हूँ, गिट के अंदर ट्रैकिंग के लिए डाल देता हूँ। गिट जो कि फाइंड आउट कर सके, गिट क्या बोल रहा है, हाँ मेरे पास तो ये दो तीन फाइल दिख रही हैं। फाइल गिट का काम ही वही है, ट्रैकिंग, फाइल ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग फाइल ट्रैकिंग करके उसके अंदर का कंटेंट कहाँ तक लिखा हुआ है ये सब कुछ ट्रैक करना, तो गिट का काम वही है। तो अब मैं गिट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ऐसे करके ये कमांड डाल देता हूँ। ठीक है, ये कमांड डालने के बाद अब ये सब कुछ ऐड हो गया, कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया में। ज़रा देखते हैं, गिट स्टेटस करता हूँ तो ये सब के सब फाइल क्या हो गए, कमिट हो गए, कमिट करने के लायक बन गए। स्टेजिंग एरिया में आने के बाद क्या होता है, हाँ भाई आप गिट के अंदर आ गए हो, आपको मैं कमिट करने के आप लायक बन गए हो। इतने दिन तक अभी तक आप ट्रैक ही नहीं हो पा रहे थे मुझसे, अभी आप मेरे दायरे में आ चुके हो, मेरे दायरे में आपको काम करना है, अब मैं जो भी बताऊँगा वो आप सुनोगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमिट करता हूँ, सबके सब फाइल्स मुझे कमिट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट कमिट ऐसे करके, और मैसेज कर लिख देता हूँ ऑल फाइल कमिटेड। ठीक है, मैं एंटर किया। अब देखो यहाँ पे पूरे के पूरे फाइल्स कमिट हो चुके हैं, ये जो भी फाइल्स हैं ये लोकल रिपोजिटरी के अंदर जा चुके हैं और इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गिट यहाँ पे इस डॉट गिट के अंदर हो चुकी है। ठीक है, अब मैं फिर से गिट स्टेटस अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कमिट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग टू कमिट। अब मैं ज़रा देख लेता हूँ गिट स्टेटस करके, गिट स्टेटस तो किया है, गिट लॉक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक मेरा ये कमिट आईडी बन गया और यहाँ पे ये दूसरा कमिट आईडी बन गया। पहला जो कमिट आईडी था ये था और दूसरा जो कमिट आईडी का मैसेज था ये था। तो ये दो दो बार हमने कमिट किया था, ये किसने किया कर रहा है, ये सूरज कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखता हूँ और चेंज सेव कर देता हूँ। ज़रा देख लेते हैं कि ये ट्रैक कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे गिट स्टेटस कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने एक फाइल में चेंजेस किया है। भाई किस फाइल में, इसमें मॉडिफाई किया है टेस्ट फाइल में आपने? मैं तो बोल रहा हूँ नहीं नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन ये गिट बोलेगा, ये झूठ नहीं बोलता है कभी। अच्छा ठीक है, किया है ना मॉडिफाई, तो फिर इसको कमिट में डाल दो। इसको स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिट एड टेस्ट डॉट टी एक्स टी ऐसे किया मैंने। तो अब मैं फिर से स्टेटस चेक करता हूँ तो ये स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है, ये कमिट करने के लायक बन गए। फिर से वही चीज, गिट कमिट माइनस एम यहाँ पे मैसेज डालना है, चेंज टू टेस्ट फाइल, एंटर किया। फिर से फाइल कमिट में जा चुकी, लोकल रिपोजिटरी में जा चुकी। अब यहाँ पे फिर से अगर मैं गिट स्टेटस कर रहा हूँ तो यहाँ पे कमिट करने के लायक कोई बचा ही नहीं।
अगर गिट लॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पे गिट लॉक करने से 3 बार हमने कमिट किया था। अब मैं जरा देख लेता हूँ कि ये जो थर्ड मैसेज है इसको मैंने क्या किया है, क्यों ये बार बार चेंज कर रहा है। मैनेजर बोलेगा ये बार बार क्या चेंज कर रहा है, जरा देख तो लेते हैं, दिस इज फर्स्ट कमिट, इसने फर्स्ट कमिट के अंदर क्या चेंजेस किए हैं। तो मैं गिट यहाँ पे शो करता हूँ और ये जो आईडी है इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ, गिट शो, और शिफ्ट दबा के इंसर्ट करता हूँ, पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एंटर किया तो इसने ये कोड लिखा था, सॉरी ये हमने जो लास्ट कमिट किया था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाता है, ये अप में फर्स्ट आ जाता है, चेंज टू टेस्ट फाइल। ठीक है, इसका हम जरा देख लेते हैं इसमें इसमें क्या चेंजेस हो चुके हैं। एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है कॉपी कर लिया, कॉपी हुआ है नहीं हुआ है, डबल से फिर से करते हैं। ये कॉपी किया, अब मैं यहाँ पे गिट शो और शिफ्ट इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर किया तो ये रहा, ये यही लिखा था ना मैंने कोड लास्ट टाइम, तो ये पता चल चुका मुझे, मैनेजर को पता, अच्छा ये लिखा है क्या। ठीक है, तो ये जो भी कुछ हमने काम किया था, फोल्डर बनाया, फोल्डर को हमने रिपोजिटरी में कन्वर्ट किया, रिपोजिटरी कन्वर्ट करने के बाद स्टेजिंग एरिया क्या है, वर्किंग एरिया क्या है, स्टेजिंग एरिया क्या है, और स्टेजिंग एरिया से हम कमिट किस तरह से करते हैं, कमिट करने के बाद लोकल रिपोजिटरी में किस तरह से डालते हैं, ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, एक लोकल मशीन पे हम देख रहे हैं, ये एक डेवलपर के मशीन पे देख रहे हैं कि वो क्या काम करता है। तो ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों अब मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, देखते हैं अगले वीडियो में कि ये जो सेंट्रलाइज सर्वर है उसके साथ में हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ।